है, ये तो बिल्कुल असली जैसा है। चुछु चुछु चा 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 चा। दुबारा मत छूना। जिया क्या कर रही हो? सड़े हुए कद्दू। प्रिंसिपल के पास जाना बेहतर होगा। ये सब क्या है? पता नहीं। ये नारंगी डंडे कितने चमक रहे हैं, क्या शक्ति होगी इनमें। ये सब किसने बनाए होंगे? आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा असली सत्य। ये क्या है? हर चीज में भगवान बसे होते हैं, सब उसकी मर्जी से ही होता है। एकता में भगवान है, तुम सातों में वो बात है जो एक साथ हिम्मत वाले रखवाले में होनी चाहिए। तुम होगे हुडैंग के रखवाले। दिव्य कथा में ये बताया गया है कि सात पत्थरों पर ही स्वर्ग और धरती की नियति निर्भर होती है, और वो सात पत्थर जो बने हैं इंद्रधनुष की नारंगी, पीली, हरे, नीले और बैंगनी रंग से। उसमें लिखा है कि भविष्य में सात महान युद्ध होने तय हैं, जिनका सामना निश्चित है। ऐसा युद्ध तब हुआ था जब हुडैंग ने अपने शत्रु प्रलनायत को हराया था। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहा? थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। मुझे ये खबर अपने मालिक को देनी चाहिए। मालिक, क्या हम इतने नालायक हैं? बुरी खबर मालिक। क्या बुरी खबर? खड़क सिंह ने सात बच्चों को इकट्ठा कर लिया है मालिक, अब क्या करें? ये इशारा किसी आने वाले खतरे का। मुझे लगा था कि वो बुड्ढा अब तक अपनी खबर में लेट गया होगा। मालिक आप मुझे इजाजत दो, मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। तुम हमेशा जल्दी में रहते हो इसलिए हमेशा हारते हो। मिनी तुम जाओ और डिटेल में खबर लेकर आओ, समझे मेरी बात? फिर से? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई इज्जत हो? उस जगह को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया है मालिक, मैं नहीं घुस पा रहा। बस इतनी सी बात? मालिक इन शक्तियों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मालिक। मालिक मुझे भी। मालिक चुप रहो। वो कह रहे थे कि जो इनाम जिया को दिया गया है वो युद्ध में काम आएगा। पर मुझे तो कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही है। हाँ, इसका पता लगाना होगा कि ये शक्ति युद्ध में कैसे काम आएगी। मुझे सुनना है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग हुडैंग के रखवाले हैं, तो चलो युद्ध के लिए सारी शक्तियाँ बटोर लेते हैं, है ना नोटी? युद्ध के लिए अभी पूरी शक्तियाँ इकट्ठा नहीं की गई है, और कुछ शक्तियाँ उन बच्चों के अंदर छुपी हुई है। एक ऐसी लड़की है जिया जिसने बहुत सारी शक्तियाँ मिलने वाली हैं। ये सब अब बता रहे हो जब हमारी इतनी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गईं? पहले बताने में क्या तुम्हारी नानी मर रही थी? ये मेरा दिमाग है तो मैं तय करूंगा किसे कहाँ चलाना है। गधे कहीं के। बस करो। मालिक जब तक मुझे शक्तियां बढ़ाने वाला यंत्र नहीं मिलता तब तक यही होगा। मैं सबसे अच्छे स्कूल से आया हूँ, फिर भी मुझे अभी तक चमकने वाला बैच नहीं मिला। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि हुडैंग की रखवाली के लिए मेरी जरूरत ना हो। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बताइए मास्टर जी। तुमने अभी तक साबित नहीं किया कि तुम इसके लायक हो। क्योंकि तुम मेरे टेस्ट में पास नहीं हो पाए। तुम सब में अभी कुछ ना कुछ कमी है, और वो कमी एकाग्रता की, समझे? तुम नॉटी, मैं तुम्हें एक पहेली देता हूँ जो तुम्हें सुलझानी है, समझ गए? लेकिन हेडमास्टर, तुम बहुत बेसब्र हो। जब शक्तियां हासिल हो जाएंगी तो सब उसका बराबरी से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सवाल यह है कि प्रलयनाथ को पराजित कैसे करेंगे? मैं समझ गया मास्टर, पर बिना लड़े हम उसको कैसे पराजित कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। हे प्रभु, दिखा एक सच्चे दिल की शक्ति ने, ऐसा दिल जिसमें है तूफान जैसी ताकत और रुक नहीं सकती। और हे, ये
कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हे प्रभु, दिखाओ जादू और बताओ एक सच्चे दिल की शक्ति। वाओ, हवा में कैसे बैठ गए सर? प्रिंसिपल सर, ये कैसे किया आपने? हमें भी सीखना है। हे प्रभु, दिखाओ एक सच्चे दिल की शक्ति, ऐसा दिल जिसमें है तूफान जैसी ताकत जो रुक नहीं सकती, और दुनिया में संतुलन बनाए रखने की आपकी शक्ति। कुछ अजीब लग रहा है। बहुत बढ़िया, मुझे दर्द हो रहा है। तो लगता है तुम ये कर रही थी जो आपने बोला। हाँ, लेकिन तुम अपने दिल की शांति तक नहीं पहुंच पाई। हम जो शुरू करते हैं उसे पूरा करना चाहिए। अपने दिल तक पहुंचने के लिए जरूरी दिमाग ठंडा होना चाहिए। आखिर इस सबका मतलब क्या है? तुम्हें हो रही बेसब्री को अपने रास्ते में मत आने दो। मैंने ये कर लिया मास्टर। पर हम ये इस तरह नहीं करते। मास्टर, ये बहुत कठिन है। अरे मेरे दिल, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी शक्ति, और इसके लिए मैं खुद को बिल्कुल शांत कर लूंगा। ओए, उसे देखो। देखो उसको। ये कैसे कर रहा है? कैसे हो सकता है? मैं हमेशा इससे अच्छा प्रदर्शन करता आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये काफी अच्छा था, बहुत अच्छा नॉटी। ये कैसे हुआ? बहुत बढ़िया नॉटी। पर ये बेस्ट नहीं चमका। हाँ सच में। क्या नहीं चमका है? किसका बैच चमका भी, ये बताओ। बेटा, और कुछ नहीं, वो तुम्हारे दिल की शक्ति थी जो चमकी थी। पहले तो ये पहले से ही पता था, पर तुम लोगों को और बेहतर होना चाहिए। इतना काफी नहीं है। ध्यान करो। मैं जीत गया। नॉटी, इतना भी आसमान में मत उड़ो वरना गिरोगे। सारे जहान में मैं तो जीत गया। चलो फिर से प्रैक्टिस करो और अपने अंदर की शक्ति को मत भूलना। जी मास्टर। चलो प्रैक्टिस शुरू करो सभी के सभी। मास्टर, हमारी धरती पर बारिश होने का आसार है। अरे वाह, तो इंतजार खत्म हुआ। बच्चों, अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि वुडेंग में अब जादुई फूल खिलेंगे। इस जादुई फूल से ये वादी भर जाएगी। कल हम सब मिलकर इस खुशी का जश्न मनाएंगे, क्या कहते हो? जादुई फूल? कैसा जादू? वाह, सुंदर। ये वो जादुई फूल है जो कई सालों में एक बार खिलता है। क्या तुम्हें जानना है इसके बारे में? जानना है? हाँ, ये। पर फिर भी एक कठिन काम है। लड़ाई, नुकसान, पछतावा, दर्द, ये सब तुम्हारे लक्ष्य के सामने आएंगे, पर तुम इसका सामना करने से मत घबराना। समझ गए तुम सभी के सब? बिल्कुल मत घबराना। हम नहीं घबराएंगे मास्टर। क्योंकि हम हैं शक्तिशाली। हैं। आप चिंता ना करें सर, हम आपको निराश नहीं करेंगे। मैं वो सारी शक्तियाँ ग्रहण करूंगी। हाँ, अब यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा रास्ता। ऐ शक्तियों हमारे पास। अरे बाप रे, ये तो आज की ताजा खबर। चलो वापिस चलो। क्या तुम्हारे पास धोखा देने के और भी उपाय हैं? बुरी खबर है मालिक, एक और बड़ी घटना घटी। महान पहाड़ के लोग खुशवादी जा रहे हैं और वो जादुई फूल देखने, और वहाँ कई शक्तियाँ मिलेंगी। ये सच है कि वहाँ शक्तियाँ मिलेंगी, पर वक्त बताएगा कि वो शक्तियाँ किसको मिलती हैं और किसको नहीं। मालिक, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, हम तैयार हैं उन शक्तियों को छीनने के लिए। हाँ। आखिर वो पल आ ही जाएगा जब वुडेंग पर मेरा राज होगा।
आखिर मालिक ने इस बार मेरी वफादारी का इनाम दे ही दिया। मालिक हमारा इनाम। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।